अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हो गए। नाज़रीन, आज हमारा सबक है पेश। आज हम आपको पेश की पहचान बताएंगे और आज हम आपको ये बताएंगे कि पेश को किस तरीके से पढ़ते हैं। नाज़रीन, आप ये देखना, अलिफ के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको पेश कहते हैं। पेश की आवाज़ ऊपर को जाती हैं और पेश को पढ़ने में हमारे दोनों होंठ जो हैं वो गोल होते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको ये सबक पढ़कर सुना देता हूँ। जिस तरीक़े से मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा इसी तरीक़े से आपको भी याद करना है। चलिए नाज़रीन, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। हमज़ा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेशु, जीम पेश जु, हा पेश उ, खा पेश खु, दाल पेश दु, जाल पेश जु, रा पेश रु, जा पेश जु, सीन पेश सु, शीन पेश शु, सौद पेश सु, ज़ौद पेश ज़ु, तौ पेश तु, ज़ौ पेश ज़ु, ऐन पेश उ, ग़ैन पेश गु, फ़ा पेश फु, क़ाफ़ पेश क़ु, काफ़ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाओ पेश वु, हा पेश हु, हमज़ा पेश उ, या पेश यु, या पेश यु। नाज़रीन, जिस तरीक़े से मैंने अभी आपको पेश का सबक पढ़कर सुनाया है, और नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ज़बर ज़ेर पेश को हम हमेशा जल्दी पढ़ते हैं, तो जिस तरीक़े से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ इसी तरीक़े से आपको भी पढ़ना है। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। रा पेश रु, सीन पेशु, रुसु, लाम पेश लु, रुसुलु, सीन पेशु, दाल पेश दु, सुदु, सीन पेशु, सुदुसु, फा पेश फु, क़ाफ ज़ेर की, फुकी, दाल ज़बरदा, फुकीदा, क़ाफ पेश कु, ता ज़ेर ती, कुती, लाम ज़बरला, कुतीला, नून पेश नु, क़ाफ ज़ेर की, नुकी, सीन ज़बर सा, नुकी सा, क़ाफ ज़बर का, रा पेश रु, करु, मीम ज़बर मा, करुमा, ऐन पेश उ, लाम ज़ेर ली, उली, मीम ज़बर मा, उलीमा, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बरिया, हुदिया, सौद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा पेश फु, सुहुफु, वाओ पेश वु, सीन ज़ेर सी, वुसी, ऐन ज़बर आ, वुसी आ, क़ाफ पेश कु, दाल ज़ेर दी, उदी, रा ज़बर रा, उदी रा, नून पेश नु, सौद ज़ेर सी, नुसी, रा ज़बर रा, नुसी रा। नाज़रीन, जिस तरीक़े से मैंने अभी आपको यह सबक हिज्जे से पढ़कर सुनाया है इसी तरीक़े से आपको भी पढ़ना है। अब यह सबक मैं आपको रामा से पढ़कर सुना देता हूँ। रसूलु, सुदुसु, फुकीदा, कुतीला, नुकीसा, करुमा, उलीमा, हुदिया, सुहुफ़ु, वसीआ, कुदीरा,
नुसीरा। नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने ये सबक रामा से पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको पढ़ने में कोई भी दुश्वारी पेश आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और नाज़रीन, इस वीडियो को आपको 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखना है ताकि आपको समझ में अच्छे से ताकि आपको सबक अच्छे से समझ में आ जाए और इसी तरीके से आपको कायदे में देखकर पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।